हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GCM इंस्टीट्यूट। आज हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 12। पिछले 11 पार्ट देखने के लिए आप GCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज या फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या और भी जो ये वीडियो सीरीज चली आ रही हैं, ये सारे क्वेश्चंस SSCs, रेलवेज और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हमारा टारगेट है 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना हमारी सारी वीडियो सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 12। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखरा इज बिल्ट ऑन। इंडिया का हाईएस्ट डैम जो कि भाखरा डैम है वो किस रिवर पर बना है? ऑप्शन है हमारे पास व्यास रिवर, झेलम रिवर, सतलुज रिवर या घाघरा रिवर। तो इसका सही आंसर है थर्ड, सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोरो ऑफ बिहार इज, सोरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, कोसी, सोन या गंडक। तो इसका सही आंसर है सेकंड, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज, वो कौन सा टाउन है जो कि भागीरथी और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस में हमारे पास रुद्रप्रयाग, दियोप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो इसका सही आंसर है सेकंड, दियोप्रयाग। एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, इंडियन डेजर्ट की इनमें से कौन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है? ऑप्शन है हमारे पास लूनी, नर्मदा, कृष्णा या बीस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, नागार्जुन सागर डैम किस रिवर पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियोज में भी एक दो बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स है ये, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए अपने नोटबुक पे। तो ऑप्शंस में हमारे पास कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलुज। इसका सही आंसर है फर्स्ट, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी, इनमें से कौन सी रिवर एक एस्चुरी बनाती है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या महानदी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, नर्मदा। नर्मदा एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि एक एस्चुरी फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा समुद्र इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर, सेवा समुद्र एक आइलैंड है, द्वीप है जो कि इनमें से किसी रिवर से बना है? ऑप्शन है हमारे पास गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नासिक किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? ऑप्शन है हमारे पास महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। इसका सही आंसर है फोर्थ, गोदावरी। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, श्रीनगर किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? ऑप्शन है इंदस, झेलम, चेनाब या रावी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, इंदस। द रिवर विच इज यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज, ऑप्शन है गंगा, कावेरी, माही या लूनी। इसका सही आंसर है फर्स्ट, गंगा। गंगा एकमात्र रिवर है जो कि इंडिया में इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि एक लिस्ट रिवर्स की है और दूसरी टाउन्स की है। रिवर्स में हमारे पास है गोमती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कावेरी, और टाउन्स में है गुवाहाटी, राजामुंद्री, तिरुचिपल्ली या लखनऊ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है थर्ड, 4123। मैं इसे मार्क कर देता हूं आपकी रेफरेंस के लिए। तो ए का आंसर है लखनऊ, गोमती लखनऊ, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, गोदावरी राजामुंद्री एंड कावेरी तिरुचिपल्ली।
The river on which the reservoir for Indira Gandhi Canal has been built is किस रिवर पर इंदिरा गांधी कैनाल के लिए रिजर्वायर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलुज, रावी, लूनी या झेलम। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रिब्यूटरी के नाम दिए हैं हमें और मेन रिवर्स के नाम दिए हैं, चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास ए बी सी, ए एंड बी, बी एंड सी या सी ओनली। तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी किस रिवर में जाकर मिलती है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये पेयर दिया हमें, इसमें से बताना है कि कौन सा सही पेयर है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ हमें डैम्स की लिस्ट और दूसरी तरफ रिवर्स की लिस्ट दी है। ये मैच द फॉलोइंग हमने मल्टीपल टाइम्स अपनी पिछली वीडियोस में भी किया है, तो ये वाला मैच द फॉलोइंग आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजना है। आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। ऑप्शंस में हमारे पास भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम या कोसी डैम। तो इसका सही आंसर है थर्ड, हीराकुड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी वाटर शेयरिंग इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। कावेरी वाटर शेयरिंग किस किन स्टेट्स के बीच एक डिस्प्यूट है? ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका या कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है थर्ड, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगेस रिवर सिस्टम। ऑप्शन में हमारे पास वाराणसी, गया, अंबाला या इलाहाबाद। इसका सही आंसर है थर्ड, अंबाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ऑप्शन है इंद्रावती, सोन, गोमती या यमुना। इसका सही आंसर है फर्स्ट, इंद्रावती। Which one of the following rivers in India has been declared as the national river? इनमें से कौन सी रिवर को नेशनल रिवर भी घोषित किया गया है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा या नर्मदा। इसका सही आंसर है थर्ड, गंगा। The world's highest rail bridge being constructed in the state of J&K will be on which of the following rivers? दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज जो कि J&K में बनने जा रहा है, वो इनमें से किस रिवर के ऊपर है? ऑप्शंस हैं झेलम, चेनाब, इंदस या रावी। इसका सही आंसर है सेकंड, चेनाब। तो ये थी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो GCM इंस्टीट्यूट के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।